हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। बीकॉम प्रोग्राम में सेकंड ईयर में सेमेस्टर थ्री या सेमेस्टर फोर में जनरिक में एक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, हिंदी गद विकास के विविध चरण। आज की इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का PYQ और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, यूनिट वाइज वेटेज डिस्कस करेंगे। हिंदी का यानी कि हिंदी ए का इस सेक्शन में हिंदी बी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी गई है, तो हम इस वीडियो में हिंदी ए की स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें आप लोगों की टोटल चार यूनिट हैं या चार इकाई हैं। इसमें पहली इकाई में आप लोगों को हिंदी गद्य के जो अलग अलग रूप होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, एकांकी और व्यंग्य। ठीक है, इन पाँचों के आपको पढ़ना है, इनका मतलब क्या होता है, इनका इवेल्युएशन, डेवलपमेंट, जो भी चीज़ें हैं। इसके बाद इकाई दो में और इकाई तीन में कुछ कहानियां हैं और कुछ निबंध हैं, प्रेमचंद, मोहन राकेश, रामचंद्र शुक्ल और अध्यापक पूरण सिंह की। और जो आखिरी यूनिट है इसमें कुछ और विधाएं हैं, जिसमें दीपदान है राम कुमार वर्मा की और भोला राम का जीव है जो कि है हरिशंकर परसाई की। तो ये टोटल ब्रीफ सा सिलेबस है आप लोगों का। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो दोस्तों, ये जो पेपर है ये आपका 90 नंबर का आएगा और पूरा पेपर जो है आप लोगों का, इसमें कुछ क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस ज़रूर से देखने को मिलेगी। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको तीन पार्ट मिलेंगे, हर एक पार्ट में इंटरनल चॉइस है। इसमें करना क्या है, आपको पैराग्राफ दिए गए हैं, जैसे दिल फिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था, और मतलब ये जो पैराग्राफ हैं ये आपके यूनिट्स में से ही लिए गए हैं और हर एक पैराग्राफ में इंटरनल चॉइस है। इन्हें आपको इनकी व्याख्या करनी है, इन पैराग्राफ की, कि इनमें क्या बात कही गई है, डिटेल में आपको बताना है किस इकाई में से लिया गया है, किस कहानी या निबंध या व्यंग में से लिया गया है वो आपको बताना है, इसके साहित्यकार कौन है और क्या इसमें कही जा रही हैं बातें वो आपको बताना है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका 24 नंबर का है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने कहा तीन क्वेश्चन है हर एक, मतलब इस क्वेश्चन में तीन पार्ट हैं, हर एक पार्ट में इंटरनल चॉइस है, तो टोटल छः पैराग्राफ इसमें होगा। और ये छः के छः पैराग्राफ आपकी इकाई दो से लेके चार तक, दो तीन और चार तक, जो दो दो टॉपिक्स हैं एक यूनिट में, सभी साहित्यों में से ये पैराग्राफ उठा लिए गए हैं, ठीक है, चाहे वो कहानी हो, निबंध हो या फिर अन्य गद विधाएं हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें हिंदी कहानी के विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखिए या फिर रेखाचित्र और संस्मरण की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि जो इकाई एक में से आया है, जो सामान्य परिचय था, इसमें या तो हिंदी कहानी के ऊपर आपको लिखना है या फिर रेखाचित्र और संस्मरण की विशेषताएं आपको बतानी है, इनको एक्सप्लेन भी करना है। थर्ड क्वेश्चन है, कहानी के तत्वों के आधार पर अनमोल रत्न कहानी की समीक्षा कीजिए या फिर मलबे का मालिक कहानी का सार लिखिए। अगेन इकाई दो में से ये क्वेश्चन आया है इंटरनल चॉइस में, या तो मलबे का मालिक आपको लिखना है या अनमोल रत्न। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिल्प की दृष्टि से उत्साह निबंध का विश्लेषण कीजिए या फिर आचरण की सभ्यता निबंध का प्रतिपाद लिखिए। अगेन जो निबंध वाला जो यूनिट है इकाई तीन, उसमें से ये क्वेश्चन आया है, या तो उत्साह के ऊपर आएगा या फिर आपका आचरण की सभ्यता के ऊपर आएगा। 15 नंबर का अगेन ये क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दीपदान एकांकी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए या फिर व्यंग्य विधा के आधार पर भोलाराम का जीव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, जो लास्ट वाली यूनिट की अन्य गद विधाएं, उसमें से ये क्वेश्चन आया है, अगेन इंटरनल चॉइस में है। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, किसी एक पर टिप्पणी लिखिए, एकांकी या फिर रेखाचित्र। ये कुछ इस तरीके से आप लोगों का सिलेबस है, सॉरी प्रीवियस ईयर पेपर है। अब इसके हम सिलेबस पर वापसी चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, इकाई वन का वेटेज अगर आपसे कोई पूछे कितने नंबर का है, तो इसमें 15 नंबर का तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया, जिसमें या तो कहानी के ऊपर या फिर रेखाचित्र और आपका संस्मरण की विशेषताएं आ गई, और इसी में से टिप्पणी करने का भी क्वेश्चन आया था लास्ट क्वेश्चन जो आया था, जो कि ये वाला था 6 नंबर का, एकांकी या रेखाचित्र में से
किसी एक पर टिप्पणी लिखी है। तो ये जो यूनिट है ये आप लोगों की 21 नंबर की हो गई यूनिट, ठीक है, 21 नंबर का वेटेज है यूनिट वन का। अच्छा, इसके बाद इकाई दो आ गई। इकाई दो में कहानी है, इसमें 15 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा जिसमें दोनों में इंटरनल चॉइस रहेगी, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आप लोगों का क्वेश्चन नंबर वन में जो कि पैराग्राफ की व्याख्या करनी है उसमें से भी आएगा। तो 23 मार्क्स का इकाई दो हो गया। इसी तरह से इकाई तीन भी और इकाई चार भी सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन फुल फ्लेज 15 नंबर का जो कि दोनों में आपस में इंटरनल चॉइस रहेगी, इकाई दो में जो दो टॉपिक्स हैं और इकाई तीन में जो दो टॉपिक्स हैं दोनों में आपस में इंटरनल चॉइस में फुल फ्लेज क्वेश्चन आएंगे, और जो सप्तरंग व्याख्या पैराग्राफ की आ रही है वो क्वेश्चन नंबर वन में ख और गा में दोनों में आपस में इंटरनल चॉइस में आएंगे। तो इसी तरीके से 23 मार्क्स की वेटेज इन यूनिट्स की भी हो जाती है। तो कुल मिलाकर हर एक यूनिट की बहुत ज़्यादा वेटेज है, इक्वल वेटेज है। कोई भी यूनिट अगर आप पूरा छोड़ते हो तो आपका लॉस हो सकता है। इतना ज़रूर कह सकते हैं हम कि इंटरनल चॉइस चूँकि देखने को मिली है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पर यह हो सकता है कि निबंध अगर आप कर रहे हो उत्साह या आचरण का, तो अगर आप कोई एक निबंध भी कर लोगे तो इंटरनल चॉइस चूँकि है तो वो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। उत्साह करके गाओगे तो उत्साह का आप फुल फ्लेज क्वेश्चन भी कर लोगे, और अगर सप्तरंग व्याख्या में आया तो उसमें भी आप उत्साह वाला क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर सप्तरंग व्याख्या में मान लेते हैं तीन क्वेश्चन हैं, मतलब तीन पार्ट हैं, हर एक पार्ट में इंटरनल चॉइस ज़रूर है, लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि पर्टिकुलर पार्ट में जो इंटरनल चॉइस दी गई है वो दूसरे इकाई से आ गया, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो बस यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।